बदलाव सियासत का भी शाश्वत नियम है। राजनीति में ऐसे ही बदलाव के प्रतीक पुरुष के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाता है। 25 दिसंबर को ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी की 97वीं जयंती पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। वैसे तो राजनीति में वाजपेयी जी के कई किस्से मशहूर है। एक ऐसा ही किस्सा 1984 के चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनका मजाक उड़ाया था। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस की लहर थी। सहानुभूति की इस लहर में सवार कांग्रेस ने लोकसभा में 426 सीटें हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटें मिली। अटल बिहारी वाजपेयी भी अपनी पारंपरिक सीट ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चुनाव से ठीक पहले माधव राव सिंधिया को वाजपेयी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा था। इससे पहले वाजपेयी का जीतना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन माधव राव सिंधिया के उतरने के बाद वाजपेयी चुनाव हार गए। लोकसभा में कांग्रेस के 426 सदस्य के सामने बीजेपी के महज 2 सदस्य थे। उन दिनों देश में परिवार नियोजन का नारा था, हम दो हमारे दो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हम दो हमारे दो के नारे का इस्तेमाल करके बीजेपी का मजाक उड़ाया था। अटल बिहारी वाजपेयी इस अपमान से काफी परेशान थे। वाजपेयी बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी देना चाहते थे, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। लेकिन समय के साथ राजनीति में भी इतिहास ने करवट ली। कभी राजनीति से संन्यास लेने का विचार करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। आज जब देश वाजपेयी जी की 97वीं जयंती मना रहा है, राजीव गांधी का 2 सीटों वाला मजाक कांग्रेस पर ज्यादा सटीक मालूम पड़ता है। 1984 की 8वीं लोकसभा में कांग्रेस 426 सदस्य थे और बीजेपी के महज 2 थे, लेकिन 2019 की 17वीं लोकसभा में बीजेपी के 303 सदस्य और कांग्रेस सिर्फ 52 पर सिमट गई। सिर्फ यही नहीं, वाजपेयी के अटल इरादों पर चलकर 2 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है।